हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M51 लिक्विड डैमेज डेड हैंडसेट, या पावर की बटन काम नहीं कर रहा है तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो ये जो हैंडसेट है, ये लिक्विड डैमेज हैंडसेट है और इसका पावर की भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्विस करने के बाद फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आपको कौन सा पार्ट शॉर्ट करके या कहाँ से जंपरिंग करके पावर की का सोल्यूशन लाना है। तो हैंडसेट मैंने पहले से ही खोल के रखा हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, पहले से ख़त्म तक देखिए तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगा इस मोबाइल का रिपेयरिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लिक्विड डैमेज हुआ है। तो हम फिलहाल एक बार चेक करेंगे कहाँ कहाँ लिक्विड डैमेज है इसका। ये रहेगा आपका पावर सेक्शन जो ऑन ऑफ की का है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिक्विड डैमेज हो चुका है। पावर की सेक्शन है, यहाँ पर लिक्विड डैमेज है, इसी के कारण ये ऑन ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा है। तो हम पहले देखेंगे कि इसका जो ऑन ऑफ स्विच है वो कौन सा लाइन पर है। उससे पहले हम देख लेंगे कि इसका जो पावर की है ये सही है कि नहीं है। इस पर लिक्विड डैमेज बिल्कुल भी नहीं है, कनेक्टर भी क्लीन है, तो मदरबोर्ड से ही इशू आ रहा है। मदरबोर्ड को सर्विस करने से पहले हम इसका जो साफ बोर्ड है, साफ बोर्ड को अच्छे से सर्विस करेंगे। सबसे बेहतर होगा कि अगर आपके पास थिनर हो तो थिनर से सर्विस कीजिए, थिनर से ही ज़्यादा अच्छा सर्विस होता है। सब बोर्ड क्लीन हो गया है। अब हम इसका जो मदरबोर्ड है, ज़्यादा थिनर नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो कैमरा है, कैमरा को सबसे पहले आपको तो ये कैमरा को रिमूव करना है, कि अगर एक भी बूंद थिनर आपका कैमरे के ऊपर चले जाए तो आपका वो कैमरा ख़राब हो सकता है, कैमरा का जो लेंस है वो ख़राब हो जाएगा। क्लीन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो वोल्टेज है पावर ऑन ऑफ की का, वो वोल्टेज हम चेक करेंगे कि प्रॉपर मदरबोर्ड से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका ऑन ऑफ की का जो लाइन है वो आपका आएगा, अगर आप मदरबोर्ड को इस तरफ से पकड़ेंगे तो ये जो बिल्कुल नीचे की तरफ दाएं तरफ जो एक लेग से, ये आपका आएगा ग्राउंड। उसके बाद जो लेग है वो आपका आएगा पॉजिटिव ऑन ऑफ करने के लिए। तो हमें सिंपली ये दो को शॉर्ट करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लाइन नहीं आ रहा है, कई बार से ब्रेक हो रहा है, तो फर्स्ट हम उसको चेक कर लेंगे कि इस पर लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मीटर को हम 20 वोल्ट पर रखेंगे, और एक ग्राउंड के पास और एक दोनों जो है ऑन ऑफ की पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये जो ऑन ऑफ की है इसके ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहा है,
तो अगर वोल्टेज आपका नहीं आए तो ये जो आपका दिख रहा है इसके ऊपर से हमें चेक करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे इसका पीछे जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है कनेक्टर के ऊपर, एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये जो कैपेसिटर, शायद ये कैपेसिटर जो कि लिक्विड डैमेज था ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है, इसी के कारण इसके ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो बैटरी कनेक्टर को निकाल के हम जो कैपेसिटर है कैपेसिटर को हम निकाल देंगे। ये देखिए हमने मदरबोर्ड से कैपेसिटर निकाल दिया। अब हम इसके ऊपर चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। वन पॉइंट फोर वोल्ट देख सकते हैं, ये वोल्टेज ऑन ऑफ की पर आ गया है। अब हम इसको शॉर्ट करके देखेंगे कि ये हैंडसेट अभी फिलहाल ऑन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है लेकिन ये बहुत पास है इसलिए शॉर्ट नहीं हो रहा। तो हम जो कैपेसिटर है कैपेसिटर को ही ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे। लीजिए हैंडसेट अभी ऑन हो गया है। तो ये जो कैपेसिटर था ये कैपेसिटर शॉर्ट होने के वजह से वोल्टेज पावर की पर नहीं आ रहा, तो लिक्विड डैमेज के कारण कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आपके पास आए कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, तो यहाँ पर ट्रिक आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसके बाद कहाँ पर जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव से इस कैपेसिटर के पास आएगा, क्योंकि कैपेसिटर मैंने उखाड़ दिया। कैपेसिटर की एक तरफ रहता है आपका ग्राउंड और एक तरफ वोल्ट रहता है। तो सर्विस करने के बाद चार्जिंग कनेक्टर भी ओके हो गया और जो पावर की काम नहीं कर रहा था वो भी पावर की काम कर रहा है अभी। अगर और भी कोई हैंडसेट है आपके पास सैमसंग का, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं ले पा रहे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि वो क्या कौन सा प्रॉब्लम है। मैं जल्द से जल्द उसका रिपेयर सॉल्यूशन वीडियो आपको दिखाऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।